अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पांचवा लेक्चर है किंगडम मोनेरा के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। देखो, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरोलस वूस, उसने किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया दो किंगडम्स में। एक को उसने नाम दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को उसने नाम दिया यू बैक्टीरिया। अब देखो, इसने किस बेस पे इस किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया। इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं, राइबोसोम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये राइबोसोम दो चीज का बना होते हैं, एक होता है इसमें प्रोटीन, दूसरा होते हैं इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स। जब ये आरएनए राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए का जो सिंथेसिस होते हैं वो एक पार्टिकुलर रीजन में होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। आप लोगों को ये सब मालूम होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो वहां पे तो देखो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल से उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं 70 स्टेप का, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब ये 70 स्टेप ऑफ राइबोसोम्स दो सब यूनिट का बना होते हैं, एक लार्ज होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, दूसरा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस ये सेपरेटेड फॉर्म में होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसका बॉन्डिंग फॉर्मेशन एंड ये जो सेपरेट होना डिपेंड करता है सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन कितना है। अब ये लार्ज सबयूनिट को हम 50S कहते हैं और स्मॉल सबयूनिट को हम 30S कहते हैं। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखो, उसने स्टडी किया ये जो 30S सबयूनिट ऑफ जो राइबोसोम्स था, इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स था 60S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर 60S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने का जो सीक्वेंस था डीएनए में, क्योंकि देखो आप लोग एक कंसेप्ट याद रखना, इस तरह से ये हमारा डीएनए है, डीएनए से ही हमें क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। तो इस एमआरएनए को सिंथेसिस करने का कोई सीक्वेंस तो होगा, यहां पे कोई तो रीजन होगा, सीक्वेंस का मतलब कोई रीजन होगा, पार्टिकुलर रीजन होगा। अब उसने देखा 60S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए यहां पे सीक्वेंस अलग था, कुछ में कुछ और था, कुछ में कुछ और था, इसीलिए इसके बेस पे इसने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस which is responsible for synthesis of 60S ribosomal RNA molecules। किसके बेस पे, सीक्वेंस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इस राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। कुछ में सपोज सम ऑफ द बैक्टीरिया में यहां पे था, सम ऑफ द बैक्टीरिया में यहां पे था, इसके बेस पे उसने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या होते हैं, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, या हम इसको क्या कहते हैं, ओल्ड एंशियंट या ओल्ड बैक्टीरिया। यह माना जाता है कि इवोल्यूशन में सबसे पहले इस यूनिवर्स पर, इस यूनिवर्स पे या इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो कौन सा आया था, आर्की बैक्टीरिया आया था। दूसरा इसका जो फ्यूचर्स है, ये सर्वाइव करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, एक्सट्रीम हैबिटेट में ही सर्वाइव करते हैं। अब इसमें रीजन है, अब हम रीजन समझते हैं व्हाई दे आर सर्वाइव इन हाई एसिडिक, हाई बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशन, क्यों ये सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं यू बैक्टीरियल सेल वॉल से। नंबर वन, नॉर्मल कंडीशन में यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होते हैं वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, यहां पे इसका सेल वॉल बना होता है सीडो पेप्टिडो ग्लाइकेन का। आपको याद रखना है पेप्टिडो ग्लाइकेन
लेयर में थोड़ा मॉडिफिकेशन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आते हैं, दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडो पेप्टिडोग्लिकैन। जबकि यू बैक्टीरियल सेल वॉल में सिर्फ क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लिकैन होता है, पेप्टिडोग्लिकैन होता है, इसीलिए ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रेजिस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन, यहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस प्रोटीन। क्या कहते हैं, एस प्रोटीन, या हम इसी को क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन। इसकी वजह से आर्किबैक्टीरिया को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रेजिस्ट करने के लिए, जबकि यहां पे एस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। ये एस प्रोटीन प्रेजेंट होता है अबाउ द, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स होते हैं अबाउ द सेल वॉल। ये सेल वॉल है सपोज पेप्टिडोग्लिकैन का, सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से एस प्रोटीन होते हैं। क्या होता है, एस प्रोटीन होता है। यहां तक क्लियर है। नंबर थर्ड, यहां पे ब्रांचिंग ब्रांचिंग फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं लिपिड बायलेयर में, जिसकी वजह से यहां पे लिपिड बायलेयर नहीं होते हैं, तो लिपिड का क्या होते हैं, मोनोलेयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड्स मोनोलेयर होता है, मोनोलेयर होता है, लिपिड का सिंगल लेयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्यों ऐसा होते हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो इस तरह से होते हैं लिपिड बायलेयर का। अब यहां पे ये फैटी एसिड क्या होते हैं, ये ब्रांचिड होते हैं, जिसकी वजह से ये यहां पे इस तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड्स बनाने की वजह से ये हमें एक सिंगल लेयर जैसा दिखता है, बाहर से क्या दिखता है, बाहर से एक सिंगल लेयर जैसा दिखता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोलेयर। इसकी वजह से भी इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, कि ये तब जाके एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और कुछ आर्किबैक्टीरिया ऐसे हैं जो 110 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। आर्किबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट। सबसे पहले देखो कुछ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नंबर वन जो हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, खोलते हुए लावा में जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफेल्स। अब दूसरा कुछ कहां पे होते हैं, मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज कहें या जहां पे वाटर लॉगिट होते हैं उन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस। और कुछ कहां पे होते हैं, जहां पे साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, साल्टी एरियाज में, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं हेलो फेल्स, साल्ट लविंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर या हाई एसिडिक एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं। इनमें आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं एंजाइम, उसको हम देखो इसके अंदर कैपेबिलिटी होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स है जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी अपना रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए ये इतना 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस या ये रेस्पिरेशन किस तरह के शो करते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, किस तरह के, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे क्या है, सल्फर है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, क्यों, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो यहां पे
इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से वो अपना खाना बना रहे हैं, और यहां से जो एनर्जी निकलते हैं उस एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको इस तरह से याद रखना है, हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, ऑक्सीजन में। अब देखो इसका एसिडिक जो जहां पे बैक्टीरिया रहते हैं उस एरिया में एसिडिक एनवायरमेंट होते हैं। कैसे एसिडिक होता है, इस एसिड की वजह से ये इस एसिडिक एनवायरमेंट को मेंटेन रखता है। यहां पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब इसके बाद मार्शी एरियाज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। अब ये मिथेनोजेंस देखो, ये एक तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहां पे सपोज ये सरफेस ऑफ द सॉइल है और यहां पे वाटर प्रेजेंट है, तो इस सॉइल में क्या यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। यहां पे ऑक्सीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं, एब्सेंट, क्योंकि मार्शी एरियाज में स्वैम्पी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये कहां पे होते हैं, रूमिनेंट ऑफ सम एनिमल्स, सम एनिमल सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है, जो फूड को स्टोमक से फिर से अपने मुंह में लेके आते हैं, बकल के वटी में फिर से च्यूइंग करते हैं, उनको कहते हैं रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। उनके गट्स में भी ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरियास प्रेजेंट होते हैं जो मिथोजेंस होते हैं, ठीक है। और यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं जैसे कि काउ एंड बिफेलोस, इसके अंदर होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो ये क्या करते हैं, देखो यहां पे ये जो मिथोजेंस जो प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं यहां पे, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन की मदद से यहां पे क्या बनाते हैं, सी एच मिथेन बना देते हैं। सी एच फोर प्लस टू टाइम्स वाटर को यहां से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, ये देखो ये क्या है हमारे पास, मीथेन, ठीक है। इसी मीथेन को हम यूज करते हैं बायोगैस के लिए। अब देखो ये जो एनिमल्स, इसके जो जो गट्स में एलिमेंट्री कैनल्स में क्या है, ये बैक्टीरिया बहते हैं रहते हैं जो मिथेनोजेंस होते हैं। अब ये यहां से जब गोबर यूज करेगा